नमस्कार, मैं दिव्या धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। लोकसभा को लेकर अमित शाह के द्वारा दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए तेजस्वी ने कहा है, ठीक है उनका अपना कहना है, लेकिन डर तो है 2024 का। बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने बीजेपी को सबसे मजबूत पार्टी बताते हुए कहा कि भाजपा के खिलाफ कोई अकेले चुनाव नहीं लड़ना चाहता है। राजस्थान के उदयपुर, बाड़मेर, जालोर, पाली के आसपास के इलाकों में दुर्लभ खनिज रेयर अर्थ एलिमेंट का खजाना मिला है। अभी शुरुआती सर्वे में कार्बोनाइट और माइक्रोग्रेनाइट चट्टानों में बस्टरनाइट, ब्रिटेलाइट, सिंची साइट और जेनोटाइम रेयर अर्थ एलिमेंट्स का भंडार ऐसा पता चला है। आपको बता दें कि रेयर अर्थ एलिमेंट के निर्यात के मामले में अभी तक वैश्विक स्तर पर चीन की मोनोपोली है। करीब 95% रेयर अर्थ मटेरियल की आपूर्ति चीन ही करता है, लेकिन जो खजाना अब राजस्थान में मिला है उसके बाद देश और प्रदेश की तस्वीर बदल सकती है। यही नहीं, वैश्विक स्तर पर भारत चीन को मात दे सकता है। गुरुवार को दिल्ली से पटना पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा ने कैबिनेट विस्तार को नीतीश कुमार के बयान के हवाला देते हुए कहा है कि यह साबित हो गया है कि दोनों पार्टियों के बीच कुछ डील हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि कैबिनेट विस्तार पर फैसला तेजस्वी यादव लेंगे, जो बताता है कि अब कोई फैसला भी नीतीश कुमार खुद से नहीं ले पा रहे हैं, जबकि कैबिनेट विस्तार करना उनका अधिकार है। उनके बातों के कहीं ना कहीं डील की बात सही साबित हो रही है। बिग बॉस 16 की ट्रॉफी मशहूर रैपर एमसी स्टैन ने अपने नाम कर लिया। हालांकि एमसी स्टैन की जीत पर कई सेलेब्स और फैंस खुश नहीं है। इस बीच बिग बॉस 16 के कंटेस्टेंट टीना दत्ता ने भी स्टैन के जीतने पर सवाल खड़े किए हैं। एमसी स्टैन को सोशल मीडिया पर अनडिजर्विंग भी बताया जा रहा है। सुरभि आनंद और हंस राज की शादी की चर्चा पूरे बिहार और राज्य में राजनीति के जोनों पर है। शादी के दौरान दो घोर दुश्मन पप्पू यादव और आनंद मोहन को एक दूसरे से गले मिलते देखा गया। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने आनंद और उनकी पत्नी से काफी देर तक गुफ्तगू भी की। शादी में शहनवाज हुसैन, राजीव प्रताप रूडी, विजय चौधरी, अशोक चौधरी समेत सभी दलों के कई नेताओं का भी तांता देखने को मिला। जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी सफलता लगी है। यहां एक मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों के एक आतंकी को मार गिराया गया है। जानकारी के अनुसार सुरक्षा बलों को कुपवाड़ा में सीमा पार से कुछ आतंकियों के घुसपैठ करने की सूचना मिली थी, जिसके चलते भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर पूरे इलाके को घेर लिया और आतंकी से आत्मसमर्पण करने की मांग भी की, लेकिन आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद भारतीय जवानों ने करारा जवाब देकर एक आतंकी को मार गिराया। बिहार के गृह मंत्रालय ने बुधवार को अपने वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ सोशल मीडिया पर शिकायत करने पर आईजी होमगार्ड विकास वैभव को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मंत्रालय ने वैभव से 7 दिनों में स्पष्टीकरण मांगा। सार्वजनिक डोमेन में विभागीय मामलों को पोस्ट करने के लिए यह कार्रवाई की गई है। नेपाल और भारत ने प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की प्रधानमंत्री के रूप में पहली विदेश यात्रा पर नई दिल्ली आने की संभावना पर चर्चा की है। बुधवार को एक मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। प्रचंड ने पिछले 7 दिसंबर में नेपाल की सत्ता संभाली थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने समाधान यात्रा का 28वां और आखिरी दिन था। सीएम नीतीश कुमार आज यानी 16 फरवरी को बेगूसराय और पटना में मौजूद थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यहां बिहार सरकार के तरफ से चल रही सरकारी योजनाओं की समीक्षा की और इन इलाकों में चल रहे विकास कार्यों का भी जायजा लिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ई किसान भवन में जीविका दीदी के साथ संवाद भी किए। सदर प्रखंड परिसर से ही मुख्यमंत्री इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन समेत कई और योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। ऐप के जरिए कर्ज देने वाले कंपनियों के खिलाफ ग्राहकों को मिल रही शिकायतों के बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने अक्सर पूछे जाने वाले सवालों के प्रारूप में नियम जारी कर दिया है। इसके 18 सवालों के जवाब जारी किए गए हैं। इनमें कहा गया है कि अगर कोई ग्राहक लोन चुकाने में डिफॉल्ट करता है तो ग्राहकों को एजेंट के बारे में जरूरी जानकारी एसएमएस या ईमेल के जरिए पहले देनी होगी। लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व कारोबारी गौतम अडानी पर की गई टिप्पणी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। खबर है कि राहुल गांधी ने इस मामले में भाजपा सदस्यों द्वारा पेश किए गए विशेषाधिकार हनन नोटिसों पर लोकसभा सचिवालय को विस्तृत जवाब सौंपा है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन को कठिन समय में इकोनॉमी को संभालने के लिए सराहा गया है। उद्योग मंत्री पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी पीएचडीसीसीआई के पूर्व चेयरमैन राजीव तलवार ने सुझाव दिया है कि वह और उनकी टीम नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट होने के पात्र हैं। उद्योग मंडल के पूर्व प्रमुख ने कहा है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व के पूर्व प्रमुख बने बर्नानके की तरह देश की महिला वित्त मंत्री भी नोबेल पुरस्कार के लिए नामित होने के लिए पात्र हैं। उन्होंने बजट बाद पीएचडीसीसीआई के साथ बैठक में यह बात कही है। बीबीसी के दिल्ली और मुंबई में मौजूदा दफ्तर पर 14 फरवरी को शुरू हुई आयकर विभाग की रेड अभी भी जारी है। इस रेड को लेकर बीबीसी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि वह इस जांच में सहयोग कर रहे हैं और उम्मीद है कि इस स्थिति को जल्दी से जल्दी सुलझा लिया जाएगा।
देश के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर के बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने कई डिपॉजिट स्कीम की ब्याज दरों में इजाफा किया है। बैंक के द्वारा फिक्स डिपॉजिट स्कीम के ब्याज में बढ़ोतरी के बाद अब आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट के रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी बढ़ोतरी की गई है। नई दरें 15 फरवरी 2023 से लागू हो चुकी हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से संबंधित साप्ताहिक पत्रिका पांचजन्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीबीसी के विवादित वृत्तचित्र से जुड़े सोशल मीडिया लिंक को प्रतिबंधित करने के आदेश को लेकर केंद्र सरकार को नोटिस भेजने के लिए उच्चतम न्यायालय की आलोचना की है। पत्रिका ने कहा कि भारत विरोधी तत्व कथित रूप से शीर्ष अदालत का औजार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान पीठ की सुनवाई पूरी होने के बाद राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग पर अदालत सुनवाई करेगी। सीजीआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ के समक्ष भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने तत्काल सुनवाई की गुहार लगाते हुए कहा कि राम सेतु मामले में स्थितियां फाइनल स्टेज पर हैं, इस पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है। जवाब में पीठ ने कहा कि संविधान पीठ में सुनवाई के बाद अदालत मामले पर सुनवाई करेगी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुणे में स्थित एडॉप्शन एजेंसी से मिली याचिका के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय को नोटिस भेजा है। याचिका में एजेंसी ने 1 साल के अफगानी लड़के को भारतीय पासपोर्ट जारी करने की मांग को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक नोटिस जारी किया ताकि उसे गोद लिया जा सके। 18 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को लाया जाएगा, इसकी जानकारी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुवार को दी है। महत्वाकांक्षी चीता पुनः परिचय कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2022 को अपने 72वें जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में नामिबिया से लाए गए 8 चीतों के पहले बैच जिनमें 5 मादा और 3 नर थे को एक बारे में छोड़ा था। जम्मू कश्मीर में स्थित माता वैष्णो देवी का मंदिर देसी नहीं दुनिया भर में मशहूर है। देसी नहीं दुनिया के अलग अलग हिस्सों में यहाँ हर दिन लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं। अब दूर दराज से घंटों की दूरी तय कर वैष्णो देवी के मंदिर पहुँचने वाले भक्तों के लिए खुशखबरी है। अब मंदिर पहुँचने वाले श्रद्धालुओं को घंटों का सफर मिनटों में बदल जाएगा। इसकी वजह सरकार द्वारा रोपवे परियोजना पर काम शुरू करना है। यह रोपवे 250 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। देश में ऑनलाइन पेमेंट का चलन बढ़ने के बाद कई फिनटेक कंपनियां इस सेगमेंट में उतर आई हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए अब भारतीय रिजर्व बैंक ने 32 ऐसी कंपनियों की लिस्ट जारी की है जिन्हें पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस देने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। इस लिस्ट में जहां रेजर पे, रिलायंस, गूगल, जोमेटो और पाइनलेफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों का नाम शामिल है, तो वहीं पेटीएम, फ्री चार्ज जैसी कंपनियां फिसड्डी साबित हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आदि महोत्सव का उद्घाटन कर दिया है। इस मौके पर जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा उनके साथ रहे। पीएम मोदी ने यहां स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी नेता बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि भी दी। इस कार्यक्रम में जनजातीय संस्कृति, शिल्प, खानपान, वाणिज्य और पारंपरिक कला को प्रदर्शित किया जा रहा है। जनजातीय समुदायों की ओर से उपजाए जाने वाले श्री अन्न इस कार्यक्रम का केंद्र बिंदु रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संबोधन भी दिया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने आदिवासी समाज के विरासत को लेकर विकास पर भी चर्चा की। सभी तरह के वाहनों पर 16 फरवरी से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट अनिवार्य हो जाएगी। नई नंबर प्लेट को लेकर कार्यवाही में छूट की समय सीमा समाप्त हो गई है। बिना एचएसआरपी के पकड़े जाने पर 5,000 रुपए का जुर्माना भी देना होगा। परिवहन विभाग ने बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्टर नंबर प्लेट के परमिट, फिटनेस और नवीनीकरण संबंधित कार्य पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी है। रेडियोलॉजी नाम की एक साइंस जर्नल में पब्लिश हुई एक स्टडी में बताया गया है कि दुनिया भर में 60 करोड़ से ज्यादा लोग कोविड से रिकवर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उनके कुछ अंगों में, खासकर फेफड़ों में, लंबे समय तक इन्फेक्शन रह सकता है। ये स्टडी चीन के वुहान में स्थित मेडिकल कॉलेज ऑफ हुआझोंग, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्विंग यी और हेसुई सी ने की है। करीब 5 महीनों की भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी राजनीतिक काम धाम से दूर और निजी छुट्टी पर हैं। राहुल गांधी अपनी छुट्टियां विदेशों में मनाने के लिए सुर्खियों में रहते आए हैं, लेकिन इस बार वह विदेश नहीं बल्कि अपने ही देश में और छुट्टियों का मजा ले रहे हैं। वायनाड के सांसद राहुल इन दिनों जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में है। यहाँ ताजा बर्फबारी हुई है। पर्यटकों के साथ उन्होंने स्कीइंग का भरपूर लुत्फ भी उठाया है। स्कीइंग करते राहुल का वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर कहा कि इतनी लंबी यात्रा के बाद उन्हें छुट्टी लेने का अधिकार तो बनता ही है। सनातन बोर्ड बनाने को लेकर भोपाल के सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बुधवार को कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि आजादी के बाद से ही कांग्रेस ने लंबा शासन किया, लेकिन हिंदू और सनातन धर्म को बहुत हानि पहुंचाई है। 15 महीनों की कांग्रेस सरकार में जो संस्कृति मंत्री थी, उन्होंने मंदिरों की भूमि पर कब्जा कर लिया था, इसलिए सनातन बोर्ड की आवश्यकता है। भारतीय सेना के बड़े पदों में फेरबदल किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचेंद्र कुमार सेना
कि नए उप प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। मौजूदा उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू का ट्रांसफर भी हो गया है। उन्हें भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिमी कमान के कमांडर के तौर पर भेज दिया गया है। वही सेंट्रल कमांड में भी बदलाव किया गया है। मोदी कैबिनेट ने ITBP की 7 नई बटालियन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा 47 नई सीमा चौकियों और एक दर्जन स्टेजिंग कैंप या सैनिक बेस का निर्माण भी किया जाएगा। नई बटालियन में 9400 नए पदों पर जवानों की भर्तियां की जाएंगी। इसके अलावा कैबिनेट ने 4.1 किलोमीटर लंबी सिंकुला टनल के निर्माण को भी भारतीय कारोबारी गौतम अडानी के ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज ने बड़ा खुलासा किया है। कंपनी ने गुरुवार को एक बड़ा बयान जारी करते हुए कहा है कि ग्रुप हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर किसी तरह का इंडिपेंडेंट ऑडिट नहीं कराने जा रहा है। कंपनी ने कहा है कि ऑडिट कराने के लिए ग्रांट थॉर्नटन को हायर करने वाली खबर पूरी तरह से अफवाह है। अडानी ग्रुप की कंपनी ने इस बात की जानकारी खुद स्टॉक एक्सचेंजों को दी है। कंपनी ने एक बयान में कहा है कि हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि यह न्यूज पूरी तरह से फेक और अफवाह से ओतप्रोत है। भारत की शर्तों पर ही धीरे धीरे अफगानिस्तान के साथ द्विपक्षीय रिश्ते पटरी पर आएंगे। इस मुद्दे पर पाकिस्तान के अलग थलग पड़ने के बाद अब भारत की निगाहें अफगानिस्तान में चीन का दखल कम करने पर है। द्विपक्षीय रिश्तों को पूर्व की भांति सामान्य बनाने के लिए भारत वहां बंद पड़े विकास कार्यों की चरणबद्ध तरीके से शुरुआत के साथ ही कंधार स्थित महावाणिज्य दूतावास को फिर से खोल सकता है। अडानी पावर लिमिटेड 7,017 करोड़ रुपए में DB पावर की ताप बिजली परिसंपत्तियों को खरीदने का सौदा पूरा करने में विफल रही। अडानी पावर ने बुधवार को शेयर बाजार को बताया है, हम सूचित करना चाहते हैं कि 18 अगस्त 2022 को हुए सहमति पत्र के अंतिम तारीख बीत गई है। अडानी पावर ने इससे पहले अगस्त 2022 में बताया था कि उसने DB पावर लिमिटेड के अधिग्रहण के लिए समझौता किया है। कंपनी के पास छत्तीसगढ़ में 1200 मेगावाट क्षमता का एक ताप बिजली संयंत्र है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रवि शंकर, अनवर करीम खान, नुन्नू गोलू कुमार, कुशलेंद्र कुमार सिन्हा, विपिन वर्मा, महमूद अंसारी, बाबूलाल मरांडी और MD शाकिर हुसैन। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, विलुप्त हो रहे जानवरों के संरक्षण के लिए भारत सरकार को कौन से कदम उठाए जाने चाहिए। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में देकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।